अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक होंगे? हम भी ठीक है। आज हमें गेहूं के आटे के स्नैक्स बनाएंगे, गेहूं के आटे के बिस्किट्स। अच्छा, इंस्टा ट्राई करके देखो, आपको पसंद आता होगा। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पहले हमने 1.5 ग्लास गेहूं का आटा लिए है, उसमें 1/2 ग्लास शुगर मिक्सर में डाले को पाउडर बनाने को मिक्स करेंगे। इसमें वो शुगर मिर्च 2 या 3 इलायची डाल को मिक्स कर लेंगे, और 2 अंडे फोड़ को उसमें डाल को वो आटे में सभी मिक्स कर डालेंगे। थोड़ा कम पड़ा तो पानी डाल को अच्छा रोटी के आटे के नाद मिक्स कर डालेंगे। 2 एग डाले तो ज़रा कम पड़ता, थोड़ा वाटर डाल को रोटी किनारे ऐसा मिक्स कर डालेंगे, ऐसा स्मूथ बना लेंगे आटा। 10 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे। ऐसे मांडे बना ले को, उसे बेल ले को, कोसा शेप बना तो बना लेंगे। मैं एक ढक्कन ले को राउंड कलर का बिस्किट के शेप में बनाई हूँ। आप लोग के हिसाब से कोसा है तो भी डालो, शुगर भी आप लोगों के हिसाब से डाल सकते। इसमें लो फ्लेम पर रखो, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे फर्स्ट, बस लो फ्लेम पर रखो दाल को। अच्छा नीचे से पके बासा पलटाएंगे उसे, अच्छे कलरफुल से टेस्टी भी है, बहुत दिन तक आता है। बॉक्स में दाल को भेज सकते, 1 मंथ का है तक आता है स्टॉक। चलो ट्राई करके देखो आप लोग। अब दूसरी तरफ पलटा लेंगे, तो कलरफुल से बहुत अच्छा है, ठंडे होने के बाद बहुत अच्छे है ये। पूरे ऐसा फ्राई कर को निकाल को बाजू को ढक लेंगे। दूसरे भी ऐसा दाल को फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद निकालेंगे, लाइट ब्राउन कलर आते का फ्राई करेंगे, बस निकाल डालेंगे, स्टोव ऑफ कर डालेंगे।